हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। और आज से हम एडुटेरिया के द्वारा जो जारी किया गया है बीएसएससी इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का ये जो टेस्ट सीरीज का बुकलेट है, इसमें हम बारी बारी से सारे क्वेश्चंस को, सारे सीरीज को, एक एक टेस्ट सीरीज को करेंगे, जिसमें से आज हमारा पहला टेस्ट सीरीज होगा। तो जो लोग बीएसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो आइए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं आज के हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा पहला सवाल ये हो जाएगा कि भारत में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को पद की शपथ कौन दिलवाते हैं। याद रखेंगे, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश पूछा है यहाँ पर, ना तो आपसे मुख्य न्यायाधीश पूछा है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद की शपथ जो है वो कौन दिलवाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य के राज्यपाल दिलवाते हैं, राइट आंसर बी हो जाएगा। और ये अनुच्छेद किस में है, आर्टिकल 219 के अनुसार भारत के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को राज्य के राज्यपाल के द्वारा पद की शपथ दिलाई जाती है। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल परामर्श के बाद ही किया जाता है, ठीक ना। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की राष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश भारत के जो सुप्रीम कोर्ट के और जिस राज्य के रिलेटेड है वो उस राज्य के राज्यपाल से सलाह के बाद इनकी नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित चुनावी वादों का निपटारा करता है, कौन करता है, तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय करता है आर्टिकल 71 के तहत। आर्टिकल 71 के तहत ये करता है कौन, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। इसी का फैसला अंतिम होता है। भारत का संविधान गणतंत्रात्मक है क्योंकि यह है, क्योंकि कोई वंशानुगत शासक नहीं होता, यहाँ पर लोगों के द्वारा चुने जाते हैं और संविधान सम्मत से ये प्रक्रिया संपन्न होती है, तो इसीलिए हमारा देश गणतंत्रात्मक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कोई वंशानुगत शासन नहीं है। गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर राजकुमार शुक्ल जी। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में बिहार के बहुत सारे प्रतिनिधि ने भाग लिया था और उसी में एक राजकुमार शुक्ल भी थे चंपारण के, जो वहाँ के तीनकटिया प्रथा से काफ़ी शिकार थे। तो वहाँ पर गांधी इस सम्मेलन में, जो कि लखनऊ अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें गांधी जी को बिहार आने में सहमति पर वो महात्मा गांधी को सहमत कर लिए थे कि वो आप बिहार आए। 1913 ईस्वी में पटना में अनुशूलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सचित्रनाथ सान्याल, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। और अनुशीलन समिति के सदस्य रेवती भाग ने भागलपुर में और यदुनाथ सरकार ने बक्सर में युवा क्रांतिकारियों के प्रशिक्षण देने के उपाय किए थे, तो ये भी आप याद रखेंगे। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श निहित है, ये कहाँ पर निहित है, तो सबको पता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ये निहित होता है, राइट आंसर डी हो जाएगा। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है, किसको है, तो ये संवैधानिक अधिकार है, राइट आंसर डी हो जाएगा। मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार किस तरीके का अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। निम्न में से कौन सिविल सेवा बोर्ड के प्रधान अध्यक्ष होते हैं, तो सिविल सेवा बोर्ड के जो पदेन अध्यक्ष होते कैबिनेट सचिव होते हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है, तो बिहार का पहला रामसर स्थल है कांवर झील, जो कि बेगूसराय में पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता थी। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था वो कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। और 298 ईस्वी में सलेखना के द्वारा उन्होंने कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में अपना शरीर त्याग दिया था। निम्नलिखित में से कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से जानी जाती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गांधार कला, ये इंडो बैक्ट्रियन कला, इसको हम कहते हैं, राइट आंसर सी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है, किस तरीके से हटाया जा सकता है, तो लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा आपका। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन
निम्न में से किस शासकों के द्वारा किया गया था? तो दिल्ली के अमीरों का दमन सबसे पहले इल्तुतमिश ने किया, ठीक है। तो इल्तुतमिश के द्वारा और भी बहुत सारे काम किए गए थे, कौन कौन मैं आपको बता देता हूँ। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया, कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण करवाया, इकता प्रथा चलवाई थी और चालीसा गुलाम सरकारों का संगठन बताया था जिसे तुर्काने चहलगनी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन ए। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1780 से 1784 ईस्वी के बीच लड़ा गया था, राइट। इस समय भारत के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स से 1784 ईस्वी में मंगलूर के संधि के तहत यह युद्ध समाप्त हुई थी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1790 से 92 के बीच हुआ था और इस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कार्नवालिस थे। इस युद्ध में मराठा हैदराबाद के निजाम और अंग्रेजों की संयुक्त सेना मैसूर के खिलाफ लड़ रही थी। और चतुर्थ आंग्लो मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ था और उस समय गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड वेलेस्ली थे। और इस युद्ध के दौरान ही टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर कहा जाता है। किसने कहा था कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है? तो ये लॉर्ड डफरिन ने कहा था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा एमजी रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा 1867 में किया गया था ये, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा आपका। परमहंस मंडली की स्थापना गोपाल हरि देशमुख ने 1840 ईस्वी में किया था। परमहंस मंडली 1840 ईस्वी में, गोपाल हरि देशमुख। आगे बढ़ेंगे तो विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था का मुख्य विशेषता क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भू राजस्व था, यानी कि वहाँ की जो आय थी वो मैक्सिमम भू राजस्व से प्राप्त की जाती थी। सही आंसर सी हो जाएगा। अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और इनमें से कौन सही है ये आपको बताना है। कि इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन के द्वारा किया गया, यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ के द्वारा। यह मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है। यह हिमालय के पीर पांजाल पर्वत के श्रृंखला के मध्य से में स्थित है। यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सही है। तो ये तीनों के तीनों सही है और ये 9.02 किलोमीटर है और ये पूरे वर्ष मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़कर रखती है। और इसे 2002 में उद्घाटन किया गया था तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा, लेकिन 3 अक्टूबर 2020 को रोहतांग हिमाचल प्रदेश में नरेंद्र मोदी ने इसका फिर से उद्घाटन किया था। एक्चुअली अटल बिहारी वाजपेयी ने आधारशिला रखी थी, उद्घाटन किया था नरेंद्र मोदी ने। सही क्या हो जाएगा? तो 1, 2, 3, 4। नर्मदा घाटी के किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? तो नर्मदा घाटी जो है किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सतपुड़ा और विंध्याचल। देखिए दोस्तों, इस तरह के सवाल टीआरई फर्स्ट में पूछे गए थे, याद रखिएगा। इस तरह के जो सवाल हैं वो टीआरई फर्स्ट के जो जनरल पेपर होता है, जनरल स्टडीज, उसमें ये पूछा गया था। इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे गए थे कि इनके बीच में क्या पाया जाता है, सब जो विंध्य पर्वत है किनके बीच में पाया जाता है, या नर्मदा और कृष्णा घाटी गोदावरी के बीच में क्या पाया जाता है। तो इस तरह की चीज़ें पूछी गई थी। तो यहाँ आपसे पूछता है कि नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, क्योंकि नर्मदा नदी विंध्याचल में बहती है, विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच ही बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 का आपका, अकबर के द्वारा। 1580 ईस्वी में जौनपुर के एक धर्म गुरु ने सभी मुस्लिमों को अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए फतवा जारी किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अकबर के खिलाफ। और कब ये हुआ था? 1580 ईस्वी में। नीचे दिए गए घटनाएं तथा उसके तिथि का सही मिलान करें। घटनाएं और तिथि, रॉलेट एक्ट कब हुआ था? 19 मार्च 1919 को। रॉलेट सत्याग्रह कब हुआ था? तो 6 अप्रैल 1919 को। देखिए, ये एक्ट था जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास किया गया था। कब पास किया गया था? 19 मार्च 1919 को। और जब ये भारत आया था तो भारत में इसके खिलाफ आंदोलन हुए थे, उसकी शुरुआत 6 अप्रैल 1919 को हुई थी।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन ये कब हुए थे? तो ये हुआ था आपका 2 दिसंबर 1919 को। और जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 4, 3। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब यहाँ लौह अयस्क क्षेत्र और राज्य के बारे में बताना है, तो बादम पहाड़ कहाँ पर स्थित है? तो बादम पहाड़ जो है ये उड़ीसा में स्थित है, और दिल्ली राजहरा जो है ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। दिल्ली राजहरा, कुद्रेमुख आपका कर्नाटक में पड़ता है, और नुआमुडी सबको पता है कि ये झारखंड में पड़ता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2, 3, 4, 1। देखो कहाँ है, 2, 3, 4, 1। राइट आंसर क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो ये किस देश में स्थित है? आपको पता होगा कि अफ्रीका की सबसे उच्च शिखर है वो माउंट किलिमंजारो है, तो और ये किस देश में स्थित है? तो ये तंजानिया में स्थित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखिए तंजानिया में किलिमंजारो है, और दक्षिण अमेरिका में ओजस डेल सेलेडो है, और उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैकिंगले, और यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एलब्रूश। याद रखेंगे अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी का नाम है किलीमंजारो, दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी का नाम है ओजस डेल सेलेडो, और उत्तरी अमेरिका के सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट मैकिनले, और यूरोप के सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट एलब्रूश। तो आप सबका याद नाम याद रखेंगे। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम क्या है? तो सबसे ज़्यादा कि कहाँ पर है, पड़ोसी देशों की बात पूछता है, तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा, नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। आपसे पूछ रहा था कि आरोही क्रम में बढ़ते हुए, तो सबसे ज़्यादा होता है बांग्लादेश में, उसके बाद होता है चीन के साथ, उसके बाद पाकिस्तान के साथ, उसके बाद नेपाल के साथ, उसके बाद भूटान, और फिर अफगानिस्तान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बढ़ते हुए क्रम में? बी हो जाएगा 21 का। देखिए बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा 4,000, चीन के साथ 3,400 के आसपास, पाकिस्तान के साथ 3,300, नेपाल के साथ 1,700, म्यांमार के पास, अच्छा एक मेहमान रह गया था, म्यांमार के साथ 1,600, और फिर भूटान 699, और अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। कुल मिलाकर के 15,106 किलोमीटर का पूरा लैंड बाउंड्री एरिया है भारत का अन्य देशों के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोहतास। ये धारवाड़ियन रही है, ये विंध्यन रॉक सिस्टम से बना है। बिहार में जो धारवाड़ियन भूसंरचना वाले जिले हैं ये दक्षिण पूर्व बिहार के जिले आते हैं, इनमें मुंगेर, नवादा और जमुई जिले शामिल हैं। वहीं रोहतास दक्षिण पश्चिम बिहार का एक जिला है। इस क्षेत्र में विंध्यन प्रकार की भूस्तरीय रचना पाई जाती है, और ये रचना कैमूर एवं सोन नदी घाटी में जनरली आपको देखने को मिलेगा। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? ग्रीष्मकालीन मानसून पूछता है, तो बहुत ही सिंपल सा आंसर है, सब लोग जानते हैं कि दक्षिण पश्चिम मानसून होता है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इसका डायरेक्शन होता है, मतलब साउथ वेस्ट मानसून इसका नाम है, और डायरेक्शन होता है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। तो अगला सवाल हो जाएगा, हमारा देश है और उसकी राजधानी है, आपको बताना है उज्बेकिस्तान की राजधानी, तो उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है, तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे है, किर्गिस्तान की राजधानी विशेख है, और तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद है। तो राइट आंसर 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा के अवमूल्यन का सबसे संभावित तो प्रभाव होगा, यानी कि जब आप मुद्रा का अवमूल्यन करेंगे तो सबसे ज़्यादा संभावित प्रभाव क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है कि निर्यात में वृद्धि हो जाएगी। तो अवमूल्यन से किसी अन्य मुद्रा, मुद्राओं के समूह या मुद्रा मानक के सापेक्ष किसी देश की मुद्रा का जानबूझकर नीचे गिराना, ये मुद्रा अवमूल्यन कहलाता है। ठीक है ना, एक कमजोर घरेलू मुद्रा एक देश के निर्यात को वैश्विक बाजारों में अधिक प्रतिस्पर्धी बनाती है, साथ ही आयात को और अधिक महंगा बनाती है, लेकिन निर्यात और बढ़ जाता है, वृद्धि हो जाती है, और आयात में फिर आपको कमी भी देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि आयात करना महंगा हो जाता है।
आगे तो क्या हो जाएगा, निर्यात में वृद्धि हो जाएगी। भारत में कृषि उत्पादों से संबंधित बाजार विनिमय यानी रेगुलेट्स कौन करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कृषि उत्पाद बाजार समिति बनी है, एग्रीकल्चरल प्रोक्योरमेंट मार्केट कमेटी, ठीक है। तो ये कृषि उत्पाद बाजार समिति जिसका नाम है, इसके माध्यम से राज्य के किसानों के द्वारा काटी गई फसल की बिक्री के लिए मंडी और मंडी में उचित मूल्य की सुविधा प्रदान करता है ये कृषि उत्पाद बाजार समिति। तो ये एक अधिनियम से बना है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। भारत ने किस देश को भेंट में 20 ब्रॉड गेज रेलवे इंजन उपहार में दिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, सही आंसर बी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में वृद्धि के लिए भारत ने अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश को 20 ब्रॉडगेज रेलवे इंजन उपहार में भेंट किए हैं। 23 मई को दिल्ली में हुए सम्मेलन में भारत तथा बांग्लादेश के रेल मंत्री शामिल हुए थे जिनमें ये समझौता किया गया था। भारत सरकार ने वर्ष 2023-24 में साधारण धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना निर्धारित किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2183 रुपये। ये 22 फसलों के लिए MSP लगती है, सबको पता होगा, राइट आंसर सी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, तो वह दर जिस पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक से रातों रात धन की अतिरिक्त राशि उधार ले सकते हैं वो क्या होती है, तो सीमांत अस्थायी सुविधा दर ये कहलाता है, ठीक है ना। यानी कि वह दर जिस पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक से रातों रात धन की अतिरिक्त राशि उधार लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मार्जिनल स्टैंडिंग फंड, MSF जिसको कहते हैं हम, जिसको हिंदी में कहते हैं सीमांत अस्थाई सुविधा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य RBI से संबंधित नहीं है, तो 31 का राइट आंसर बी हो जाएगा, केवल 3, जनता को पैसे उधार देना ये RBI का काम नहीं है, ये बैंकों का काम होता है। इस मंत्रालय के द्वारा पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोषण भी पढ़ाई भी केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा ये प्रारंभ किया गया है। 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चंद्रयान 3 जिसे हाल ही में प्रक्षेपित किया गया है का कुल वजन लगभग कितना है, तो ये 3900 किलोग्राम है। 14 जुलाई 2023 को इसका प्रक्षेपण किया गया था। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम क्या है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान, यह थीम था, सही आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, तो भारत को आत्मनिर्भर व स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का प्राथमिक लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना का हिस्सा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय योजना जो कि 1961 से 1966 ईस्वी तक चली थी। इस योजना के समय योजना आयोग के अध्यक्ष DR गैडगिल थे, इसलिए इस योजना का नाम गैडगिल योजना भी कहा जाता है, ठीक है। तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो अर्थ स्वतंत्र अर्थव्यवस्था, कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार लाना। अगला है कि राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, साइमन कुजनेत्स को कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो Washington DC में है। हाल ही में किस राज्य के दुबराज चावल को GI टैग दिया गया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो छत्तीसगढ़ का यह दुबराज चावल है जिसको GI टैग दिया गया है। 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए बिहार का मरचा चावल है, मध्य प्रदेश का रीवा आम है, लद्दाख का सिंग स्कोस है और उत्तर प्रदेश के हथरस का हिंग है, इन सबको हाल ही में GI टैग दिया गया है। निम्नलिखित में से राज्य एवं उनके राज्यपाल का कौन सा सही सुमेलन नहीं है, तो त्रिपुरा गुरमीरत सिंह, ये सही सुमेलन नहीं है। तो त्रिपुरा के जो नए राज्यपाल बने हैं उनका नाम है सत्यदेव नारायण आर्य, जबकि उत्तराखंड के जो राज्यपाल हैं वो अब गुरमीत सिंह हैं। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में कुल कितने टीमें भाग ले रही थी, तो कुल मिलाकर के 10 टीमें भाग ले रही थी और कुल मिलाकर के 48 मैच खेले गए थे। 5 अक्टूबर 2023 को इसका शुभारंभ किया गया था, सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो हाल ही में बिहार का नया महाधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया है, तो बिहार का महाधिवक्ता जो है ये नियुक्त किया गया है PK शाही को, 13 जनवरी 2023 को ही इनको नियुक्त किया गया था। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, जॉन फासे को।
ठीक है। स्वीडिश अकेडमी के द्वारा 5 अक्टूबर 2023 को इसकी घोषणा की गई थी और 2022 में यह पुरस्कार एनी एरनॉक्स को दिया गया था। आगे बढ़ेंगे तो नागेवाजा शब्दावली किस खेल से संबंधित है, तो नागेवाजा शब्द का संबंध जूडो खेल से है। देखिए सर्व जो होता है वॉलीबॉल में होता है, कैडी गोल्फ में होता है, स्लिप क्रिकेट में होता है, नाइट शतरंज में होता है और पुश इन हॉकी में होता है। प्रोलॉग किस पीढ़ी के कंप्यूटर की भाषा है, तो पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर की भाषा है, ठीक है ना। जैसे कोबोल, बेसिक, अलगोल, पास्कल और लोगो, ये इस पीढ़ी की कुछ प्रमुख भाषाएं हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पांचवी पीढ़ी का। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय ये कहाँ पर स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा रोम इटली में स्थित है। इसकी स्थापना 1974 में विश्व खाद्य सम्मेलन के परिणाम स्वरूप किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, रोम। कब स्थापना की गई थी, 1974 में। 1974 में विश्व खाद्य सम्मेलन हुआ था तो इसकी फाइनली स्थापना 1977 में की गई थी। लाल रंग के वस्तु लाल क्यों दिखाई पड़ती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कोई भी वस्तु उस रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि वह लाल रंग को प्रवर्तित करती है, ठीक ना। कार्य का मान किन किन परिस्थितियों में शून्य हो सकता है, तो बी और सी दोनों हो जाएगा। दैट मीन्स कि जब विस्थापन शून्य हो और बल एवं विस्थापन की दिशाएं परस्पर लंबवत हो, तो दोनों स्थिति में बल क्या होगा, जीरो होगा। प्रतिरोध के दो तार R1 तथा R2 समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, R1 × R2 / R1 + R2। सही आंसर सी हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा कि नकटा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो नकटा लोक नृत्य का संबंध महाराष्ट्र से है। नकटा, लेझिम, कोली और बोहदा ये सब लोक नृत्य का संबंध कहाँ से है, तो महाराष्ट्र से है। छऊ झारखंड से है, ढाली पश्चिम बंगाल से है, पनिहारी राजस्थान से है और छपेली आपका हिमाचल प्रदेश से है। निखिल बनर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो इनका संबंध जो है ये सितार वादन से है। पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, वंदे हसन, विलायत खान, इन सब का संबंध सितार वाद्य यंत्र से है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। बिस्मिल्ला खां शहनाई वादक थे, अल्लाह रखा खां ये आपका तबला वादक थे, हरिप्रसाद चौरसिया जी ये बांसुरी वादक है, भजन सोपारी जी ये संतूर वादक थे और इंद्रलाल राणा ये पखावज बजाया करते हैं। पखावज एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता है। डायरेक्ट करेंट यानी कि डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ये काम करता है। सही आंसर सी हो जाएगा। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में लाल रंग का रेंज कितना होता है, तो इसका रेंज होता है 6200 एंगस्ट्रम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रम तक। देखिए बैगनी कलर का होता है 3900 से 4400 एंगस्ट्रम तक और इंडिगो का होता है 4400 से 4600 तक। नीला रंग का होता है 4600 से 5000 तक। हरे रंग का होता है 5000 से 5700 तक। पीले रंग का होता है 5700 से 5900 तक। नारंगी कलर का होता है 5900 से 6200 तक और लाल रंग का होता है 6200 से 7800 एंगस्ट्रम तक। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंग दैर्ध्य होते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रेडियो तरंगे। तरंग दैर्ध्य की बढ़ती लंबाई के अनुसार सही क्रम क्या होता है, तो पहले गामा किरण, उसके बाद एक्स किरण, उसके बाद पराबैंगनी किरण, फिर अवरक्त किरणें और सबसे बड़ी फिर रेडियो तरंगे। ये बढ़ती हुई लंबाई यानी कि वेवलेंथ सबसे ज़्यादा रेडियो तरंग की होती है यानी फ्रिक्वेंसी सबसे कम हो जाएगी। 59 निम्नलिखित में से कौन से एक मिश्रण का उदाहरण है, तो मिश्रण का उदाहरण क्या हो जाएगा दोस्तों, इस्पात क्या है, एक कई सारे मेटल्स का मिश्रण हो जाएगा। 59 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें क्या क्या होता है, तो लोहा, कार्बन तथा कुछ अन्य तत्वों का ये मिश्र धातु है। कार्नेलाइट किस धातु का अयस्क होता है, तो कार्नेलाइट जो है ये पोटेशियम धातु का अयस्क होता है और इसका फार्मूला होता है वो होता है KCl MgCl3 × 6H2O। हीलियम के नाभिक में कौन सा क्या होता है, तो हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, इनकी इसकी परमाणु संख्या 2 होती है। हीलियम सबसे हल्की नोबेल गैस है, तो 61 का राइट आंसर डी हो जाएगा।
क्रोमैटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, रंगीन रसायन के मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। क्रोमैटोग्राफी रंगीन रसायनों के मिश्रण को पृथक करने की एक रासायनिक तकनीक होती है। 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ध्वनि की प्रबलता जो है दोस्तों, ये कंपन के आयाम यानी एम्पलीट्यूड से मापा जाता है। 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। जल के विद्युत अपघटन के समय बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर निम्न में से कौन सी गैस बनती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस बनती है। राइट, ये आपका जो नेगेटिव टर्मिनल होता है उस पर बनती है, और जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीजन के बुलबुले बनते हैं। राइट, माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से क्या होते हैं? तो माणिक्य और नीलम जो है रासायनिक रूप से एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स होते हैं, जो क्रिस्टलीय फॉर्म में पाए जाते हैं। सही आंसर डी हो जाएगा। जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत कितना होता है? तो जर्मन सिल्वर में चांदी आपका बिल्कुल भी नहीं होता है, इसका कलर चांदी के जैसा होता है, इसलिए हम इसको जर्मन सिल्वर कहते हैं। तो जर्मन सिल्वर में सबसे ज़्यादा तांबा 50%, जस्ता 35% और निकेल 15% होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो निम्न में से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है? तो एल्कोहल एक ऐसा पदार्थ है जिसकी विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक है, जो दिए गए ऑप्शन में से पूछ रहा है आपसे। विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है? तो इकाई द्रव्यमान वाले पदार्थ का ताप इकाई डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसको हम विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, और इसकी यूनिट क्या होती है? तो जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन होता है। ठीक है, पानी की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? 1 होती है। बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? तो 0.5 होती है। यानी कि सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाता है उस ऑप्शन में तो वाटर नहीं था, अगर वाटर होता आंसर आपका वाटर ही होता। राइट, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 66। तो ऑक्सीकरण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ऑक्सीजन से संयोग होता है, विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि होती है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से अधिक। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है, तो मस्टर्ड गैस का उपयोग रासायनिक युद्ध में किया जाता है क्योंकि यह एक जहरीली गैस होती है, और इसका रासायनिक नाम है डाइक्लोरोडाइएथिल सल्फाइड। याद रखेंगे डाइक्लोरोडाइएथिल सल्फाइड को ही हम लोग मस्टर्ड गैस कहते हैं। इसका प्रयोग प्रथम विश्व युद्ध में रासायनिक हथियार के तौर पे किया गया था। निम्नलिखित में से कौन एक विस्फोटक पदार्थ नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। तो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म का जो उपयोग किया जाता है दोस्तों, ये ऑपरेशन के समय मरीज को बेहोशी की स्थिति में लाने के लिए किया जाता है। यह एक आपका विस्फोटक नहीं है, बाकी ये तीनों विस्फोटक हैं। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? छोटी आंत में होता है। राइट आंसर सी हो जाएगी। इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो इंसुलिन में जस्ता उपस्थित होता है। इंसुलिन एक प्रोटीन या पेप्टाइड हार्मोन है जो अग्नाशय के लैंगरहंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है, और इसमें कौन सा मेटल होता है दोस्तों? तो जिंक होता है, यानी जस्ता होता है। हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य के शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो लीवर होता है, जिसको हम यकृत कहते हैं। अब यहाँ से आपके शुरू हो जाते हैं मैथमेटिक्स क्वेश्चंस, तो उससे पहले मैं इनको कंप्लीट कर लेता हूँ। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सबसे पुराना जीव ग्रीन ब्लू एल्गी होते हैं, यानी कि नील हरित शैवाल होते हैं, इनको हम साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को क्या करते हैं? तो हमेशा एक सा बनाए रखते हैं, उनको वार्म ब्लडेड एनिमल कहा जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि आपको सूची 1 और सूची 2 में आपको मिलान करना है। राइट, देखो, सुंदरी, अमरबेल, सिंघाड़ा और प्याज, ये कुछ प्लांट के नाम दिए गए हैं, और आपसे पूछता है कि उसका कौन सा हिस्सा वो क्या है, एक्चुअली में ये है क्या। सिंघाड़ा क्या है, अमरबेल क्या है, सुंदरी क्या है,
प्याज है तो क्या है वो? देखिए, नुमैटोफोर, राइजोफोरा, सुंदरी आदि पौधों जो कि जलदली स्थिति में पाए जाते हैं उनको नुमैटोफोर कहते हैं। नुमैटोफोर का मतलब कि इनकी जड़ें जो है एक भूमिगत मुख्य रूप से विशेष प्रकार की जड़ें निकलती है जमीन से, जिसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं और रेस्पिरेशन में ये सहायता करते हैं, यानी कि इनकी जड़ें जमीन से बाहर की तरफ निकलती है, इसीलिए ऐसे प्लांट्स को नुमैटोफोर्स कहते हैं। और जनरली ये दलदली इलाके में मिलते हैं। तो सुंदरी क्या हो जाएगा? सुंदरवन का नाम सुने हैं, सुंदरवन में ही सुंदरी वृक्ष पाई जाती है। और वो किस तरीके का वृक्ष है? तो नुमैटोफोर है। चुसुल मूल यानी सकिंग रूट्स, इस प्रकार की अपस्थानिक जड़ें कुछ परजीवी पौधों में विकसित होती है, जैसे कि अमरबेल या फिर चंदन। तो इसका क्या हो जाएगा? बी का वन हो जाएगा। फिर आता है सिंघाड़ा। तो ऐसे मिलिट्री रूट्स भी होते हैं, इस प्रकार की अपस्थानिक जड़ें तना से निकलकर फैल जाती हैं, जैसे कि सिंघाड़ा टोनोस्पूरा, ठीक है। उसमें क्या पाई जाती है? ऐसे मिलिट्री रूट्स पाई जाती हैं, यानी कि स्वांगीकरण मूल पाया जाता है। प्याज बच गया, तो प्याज कैसा है? भूमिगत तना है। जैसे क्या क्या हो जाएगा? तो अदरक, हल्दी, अदरक, आलू, प्याज, लहसुन, ये सब क्या है? अंडरग्राउंड स्टेम्स हैं। शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टिक क्या होता है? तो ये कुल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन को हम लोग, जो हिप ज्वाइंट रिप्लेसमेंट होता है, उसको हम ऑर्थोप्लास्टी के नाम से जानते हैं। सही आंसर सी हो जाएगा। अब हम लोग शुरू करते हैं अपना मैथमेटिक्स का क्वेश्चन। 75 क्वेश्चन आपके जीएस के हैं और 75 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स हैं या रीजनिंग है या सी सेट के सवाल है। कहता है कि किसी बहुभुज में जिनके आंतरिक कोणों का योग और बाह्य कोणों का अनुपात 7:2 है, तो सम बहुभुज में कुल कितनी भुजाएं होंगी? तो मान लो कि आंतरिक कोण 7x है, बाह्य कोण 2x है, तो बहुभुज के भुजाओं की संख्या क्या होती है? तो ये हो जाएगा आपका 360° / 2x बराबर 180° / 7x। और इसको आप सॉल्व करेंगे, आंतरिक कोण प्लस बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 180° होता है, ठीक है। तो 7x + 2x निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 180° यानी कि 9x = 80°। तो बहुभुज के भुजाओं की संख्या कितना हो जाएगा? 180/x हो जाएगा, राइट। एक्चुअली ये 7x नहीं है, सिर्फ x है, मतलब मैंने इसको काटा है, 2 से कैंसिल होकर, तो 180/x आ जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से आप निकाल लेंगे, x की वैल्यू 9 आएगी, x की वैल्यू 20 आएगी, 180/20 करोगे तो 9 आंसर आएगा। सही आंसर आपका बी हो जाएगा। एक दुकानदार प्रत्येक सामान के अंकित मूल पर 20% की छूट देता है। 24% लाभ कमाने के लिए प्रत्येक सामान का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक होगा? तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 55% अधिक होगा, राइट। मान लो कि प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपये है। तो 24% लाभ लाने पर, लाभ लेने के बाद कितना हो जाएगा? 124 रुपये हो जाएगा। अब 124 रुपये पर कितने छूट देता है? 20% छूट देता है, यानी कि 80% अंकित मूल्य का मान कितना हो जाएगा? 124 रुपये। तो 1% का 124/80, फिर 100% का, तो 124/80 × 100, तो कितना आ जाएगा आंसर आपका? इसको सॉल्व करोगे तो 155 रुपया। फिर 155 रुपये में 100 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा? 55%। तीन क्रमागत बट्टो यानी कि 20%, 15% और 10% समतुल्य बट्टा क्या होगा? इसका सिंपल सा तरीका है, 80/100 × 85/100 × 90/100 करो, क्योंकि 100 में से 20 घटाओगे तो 80, 80/100 15 घटाओगे तो 85/100, 10 घटाओगे तो 90/100, सबको मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा आपका 61.2। और जब समतुल्य बट्टा निकालना हो तो फिर 100 में से इसको घटा देंगे तो 38.8% आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ बढ़ते हैं। तो ये दिया गया है आपका 3 के पावर 81, 3 के पावर 82, 3 के पावर 85 तक निम्नलिखित में से किस अभाज्य संख्या से विभाजित होगा? तो सब में से कॉमन कर लीजिए, क्या 3 के पावर 81 तो कॉमन होगा सब में, तो यहाँ क्या बचेगा? 1, यहाँ क्या बचेगा? 3, यहाँ क्या बचेगा? 9, यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा आपका क्या? 27, यहाँ क्या बचेगा? 81। और सबको ऐड करो तो ये 121 आएगा, यानी कि 3 के पावर 81 × 121।
अब देखो ये किससे विभाजित है, 11 से तो विभाजित है ही, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, तो 5 से विभाज्य 5 लगातार संख्याओं का योगफल 165 है, उनमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। तो मान लो कि संख्या एक्स है, तो लगातार 5 क्या हो जाएगा, एक्स एक्स प्लस 5 एक्स प्लस 10 एक्स प्लस 15 एक्स प्लस 20 और सबका जोड़ कितना है 165। इसको सॉल्व करोगे तो एक्स बराबर क्या आएगा, 23 आएगा, ठीक है। तो सबसे छोटी क्या हो जाएगा 23, सबसे बड़ी क्या हो जाएगा, एक्स में 20 जोड़ दो तो 43 आ जाएगा, ठीक है। और दोनों का अंतर कितना होगा, 43 में से 23 घटाओगे तो 20 आएगा। इसको सॉल्व करिए, बहुत ही सिंपल है इन सब सवालों को सॉल्व करना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा राइट आंसर, ए स्क्वायर माइनस 2 आएगा। अब रामू के पास 200 खिलौने हैं, उसने दिवाकर को 100%, ममता को 20% और एक दहाई खिलौना कर्ण को दे दिया। तो वितरण के बाद रामू के पास कितना खिलौना बच गया है, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करना हो क्वेश्चन नंबर 83 को, तो इसको सॉल्व करिए, इसका राइट आंसर 50 आएगा आपका। इसका राइट आंसर 50 आएगा आपका। केशव ने हिंदी में 59 अंक प्राप्त किया, गणित में 72 अंक, विज्ञान में 50 अंक, अंग्रेजी में 73 अंक और समाज शास्त्र में 71 अंक प्राप्त किया। प्रत्येक विषय में अधिकतम 100 अंक थे, तो केशव को कितने प्रतिशत अंक मिले। तो कुल प्राप्तांक बटा कुल अंक निकाल लीजिए, कितना टोटल पाया है और टोटल कितना था, फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 65% आ जाएगा। 8 पेन 4 पेंसिल की कीमत 180 रुपये है, एक पेन की एक चौथाई कीमत एक पेंसिल की कीमत के समान है, 10 पेन और 15 पेंसिल की कुल कीमत क्या होगी। तो देखो एक पेन की कीमत का चौथाई एक पेंसिल की कीमत के बराबर है ना, यानी कि एक पेंसिल की कीमत क्या हो जाएगा, एक पेंसिल की कीमत बटे 4, यानी कि एक पेन की कीमत 4 गुने पेंसिल की कीमत हो जाएगा। अब 8 पेन और 4 पेंसिल की कीमत 180 रुपया है, तो चार चार मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 गुने 4 पेंसिल प्लस 4 पेंसिल यानी कि कुल 36 पेंसिल की कीमत कितना हो जाएगा, 180 रुपये। तो एक पेंसिल की कीमत 5 रुपये, तो 10 पेन प्लस 15 पेंसिल, अब 10 में 4 से मल्टीप्लाई करो तो पेन पेंसिल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 10 इंटू 4 पेंसिल प्लस 15 पेंसिल, कुल मिलाकर के हो जाएगा 55 पेंसिल और 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 275 रुपये राइट आंसर। दो संख्याएं ए और बी, तीसरी संख्या सी से क्रमशः 25% और 30% कम है, संख्या बी संख्या ए से कितना प्रतिशत कम है। तो इसका एक आसान सा तरीका निकालने का होता है, 75 माइनस 70 डिवाइडेड बाई 75 इंटू 100, ठीक है। मतलब 100 में से घटाने के बाद 100 में से 30 घटाओ, 100 में से 25 घटाओ, बड़ा वाले में से छोटा घटाओ और नीचे जितना जिससे कंपेयर करते हैं उसको नीचे रखते हैं, ठीक है। तो ठीक है ना, इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये 6.2/3% आएगा। ये यदि p प्लस क्यू इज टू p माइनस q बराबर 7:3 हो तो p के पावर q माइनस q के पावर q का मान क्या होगा। तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, इक्वेशन को सॉल्व करिए, ठीक है। p बाई q के फॉर्म में आंसर आएगा, यानी कि इसको आप सॉल्व करिए तो p और q के टर्म में p बाई q की जो वैल्यू आएगा इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 5/2, ठीक है। अब p के पावर q माइनस q के पावर q, p बराबर 5 q बराबर 2 क्यूब कर दो तो राइट आंसर 117 आएगा। फिर यदि रमेश का वेतन का 30% श्याम के वेतन के साथ जोड़ा जाता है तो श्याम अपने पूर्व का वेतन 150% हो जाता है, निम्नलिखित में से कौन एक सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, रमेश का वेतन ग्रेटर होगा श्याम के वेतन से, ठीक है। अब मान लो कि रमेश का वेतन एक्स है, श्याम का वेतन वाई है, तो क्या हो जाएगा, वाई प्लस एक्स का 30%, ठीक है, बराबर हो जाएगा वाई का 150%। अब इसको सॉल्व करिए, एक्स और वाई के फॉर्म में इक्वेशन आएगा तो वहां से आप निकाल लीजिए। देखिए एक्स बटा वाई कुछ आएगा, जिसका ज्यादा होगा उसका ज्यादा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो 93 का राइट आंसर हो जाएगा आपका, रमेश का वेतन जो है ग्रेटर देन श्याम का वेतन हो जाएगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ बढ़ते हैं, तो 3000 रुपये के मूलधन पर 5 वर्ष में एक व्यक्ति को 1950 रुपये का साधारण ब्याज किस दर से
मिलेगा। तो बड़ा ही सिंपल सा है, मूलधन दिया हुआ है, ब्याज दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, तो दर निकालिएगा 13% आ जाएगा। चार लड़का एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, तो 15 लड़का उसी काम को कितने दिनों में कर सकता है। अगेन बहुत ही आसान सा सवाल है, माना कि 15 लड़का किसी काम को 1 दिन में कर सकता है, तो 4 लड़का गुने 15 बराबर 15 लड़का गुने 1 दिन, जो MHD मसाले वाले MHD का जो फार्मूला होता है उसके अनुसार आप निकालेंगे, 4 लड़का इंटू 15 बराबर 15 लड़का इंटू 1 दिन, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 4 दिन आ जाएगा। ठीक है, आयत की परिमाप क्या होगी, यदि आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर है जो उसकी चौड़ाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है, तो आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है और चौड़ाई कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर अधिक है। एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे तो आयत की परिमाप, यदि आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर है जो उसकी चौड़ाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है, तो चौड़ाई कितना हो जाएगा, 15 में से 6 घटा दीजिए तो 9 सेंटीमीटर का हो जाएगा, परिमाप होता है 2 × 12 + b, तो 48 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये तो बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। 24 के दो भाग इस प्रकार किए जाते हैं कि पहले भाग का 7 गुना तथा दूसरे भाग का 5 गुना मिल करके 146 हो जाता है, पहला भाग क्या होगा। तो मान लो कि पहला भाग x है तो दूसरा भाग कितना हो जाएगा, 24 - x हो जाएगा, 1 x हो जाएगा, 1 24 - x हो जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न के अनुसार क्या कहता है कि पहले का 7 गुना दूसरे के 5 गुना मिलकर के कितना हो जाता है, 146 हो जाता है। तो 5 × 24 - x = 146। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर 13 आएगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 की दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है तथा उनका लघुत्तम समापवर्तीय 80 है, तो इन संख्याओं का योग कितना होगा। तो 95 सबको पता है कि संख्याओं का लसा आप निकालने के लिए क्या करोगे, 4x 5x मान लो। ठीक है, तो 4 × 5 × x बराबर क्या हो जाएगा, x, यहां से x बराबर क्या आ जाएगा आपका। अब तीन नंबर है, एक है x, एक है 4x, एक है 5x। एक्चुअली में इन सब का LCM पूछ रहा है, तो x 4 और 5 को मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आना चाहिए, 80 आना चाहिए। तो 4 × 5 × x के अनुसार बराबर करोगे तो 80 आएगा, यहाँ से x बराबर 4 आ जाएगा, तो पहली संख्या क्या हो जाएगा, 16, और दूसरी संख्या 20 हो जाएगी, और दोनों को जोड़ोगे तो 36 आ जाएगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 1 से यदि अंतिम 2 संख्याएं निकाल दिए जाए तो औसत में क्या परिवर्तन होगा। तो 89 का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यदि किसी क्रमागत संख्याओं के औसत में अगर अंतिम 2 संख्याएं निकाल दी जाए तो औसत में 1 की कमी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ेंगे, तो कहता है कि यह घोड़ा 3 समान दूरियों को पी किलोमीटर प्रति घंटा, क्यू किलोमीटर प्रति घंटा और आर किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़कर तय करता है, कुल यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है। तो कुल दूरी कितना हो जाएगा, d + d + d, क्योंकि 3 दूरियां हैं, 3 तरीके के, तो d + d कितना हो जाएगा, कुल दूरी 3d हो जाएगा। कुल समय कितना हो जाएगा, तो d/p + d/q + d/r। ठीक है दोस्तों, अब औसत चाल निकालने के लिए क्या करेंगे, कुल दूरी बटा कुल समय, तो समय क्या होगा, d/p + d/q + d/r। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3pqr/pq + qr+pr, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 96, 5 वर्ष पहले 3 व्यक्तियों के एक परिवार की औसत आयु 20 वर्ष थी, एक बच्चे के जन्म के बाद परिवार की औसत आयु वही रहती है जो 5 साल पूर्व थी, बच्चे की आयु क्या होगी। तो ये सब बड़ा ही सिंपल सा सवाल है, इसका आंसर अब मैं बता देता हूँ आपको, इसका आंसर आएगा बच्चे की आयु 5 वर्ष होगी। क्वेश्चन नंबर 97, तो इसमें कहता है कि 15 मजदूरों की मजदूरी का औसत 30 रुपया है, प्रथम 8 मजदूरों की मजदूरी का औसत 35 रुपया है और अंतिम 8 मजदूरों की मजदूरी का औसत 25 रुपया है, तो 8वें मजदूर की मजदूरी क्या है। तो 15 मजदूरों की कुल मजदूरी कितना हो जाएगी, 15 में 3 से मल्टीप्लाई कर दी, 450 रुपये हो गया। अब प्रथम 8 मजदूरों के निकालना है, तो 35 में 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो टोटल आ जाएगा प्रथम 8 मजदूरों की 280 रुपये, अंतिम 8 का निकालना है तो 25 × 8 कर दो तो 200 रुपये हो जाएगा। 8वें मजदूर की निकालना है तो दोनों को ऐड करके 450 में से घटा दो, 280 + 200 - 450, तो 480 में से 450 घटाओगे तो 30 रुपये आएगा। लॉग ऑफ √3 to the base a बराबर 1/6 है, तो a का मान क्या होगा। तो आप लोगों ने लॉग का फार्मूला पढ़ा होगा, आपने आप लोग जानते होंगे कि लॉग को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा, a के पावर 1/6 = √3, यही तो होता है लॉग का डेफिनेशन। अगर x के पावर n है तो क्या हो जाता है दोस्तों, यदि a^x बराबर n है तो अगर log लोगे तो ये आ जाएगा आपका
लॉग ऑफ क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ एन टू टू दी बेस ए इज इक्वल टू एक्स, यही आता है, यह डेफिनेशन होता है लॉग का। उसी डेफिनेशन का इस्तेमाल करके ए के पावर 1/6 इज इक्वल टू रूट 3 लिख देंगे। अब दोनों तरफ 6 के पावर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि ए बराबर रूट 3 के पावर क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, इसको करोगे तो दोस्तों ये आ जाएगा ए बराबर 27 आंसर। ये लॉग का डेफिनेशन है सिंपली, तो आप इसको भूलेंगे नहीं। क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ पढ़ेंगे। दो प्रकार के पेंट जिसकी कीमत क्रमशः 20 रुपये प्रति लीटर तथा 15 रुपये प्रति लीटर है, इन दोनों प्रकार के पेंटों को 3:5 के अनुपात में मिश्रित करने के उपरांत नए मिश्रित पेंट की कीमत प्रति लीटर कितनी होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ से आपको अब आंसर बताते चलूँगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा फिर। क्वेश्चन नंबर 100 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 361 आएगा इसका राइट आंसर। तो ये तो बहुत ही आसान है, कुछ कुछ मुझे जो लगेगा कि आपको बता देना चाहिए मैं उसको बताते चलूँगा। अब किसी भाषा में सी इज ब्रेव का अर्थ है सुई, मतलब ये कुछ खास दिया हुआ है, सी इज ऑलवेज स्माइलिंग का अर्थ है ये। तो इस ये बहुत सिंपल सा इस तरह के क्वेश्चन, तो आप देखिए कि ये वाले वर्ड कहाँ कहाँ हैं और देख लीजिए कि इसमें वो वर्ड कहाँ कहाँ है, तो इस वर्ड के लिए वो वर्ड इस्तेमाल किया गया होता है। तो आप अगर एक बार दो बार कोशिश करेंगे तो आपसे ये क्वेश्चन हो जाएगा। 107 का जो राइट आंसर है मैं बता देता हूँ, वो PI आएगा। 108 का राइट आंसर क्या होगा, आज मंगलवार है तो आज से 61 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो प्रत्येक सप्ताह में 7 दिन आता है, ठीक है, तो 63वां दिन मंगलवार होगा। अब 61वां दिन क्या होगा, तो रविवार होगा। 108 का राइट आंसर आपका ऑप्शन कौन सा पूछ, 61 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो ये सोमवार हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि 63वां दिन मंगलवार होगा, तो 61वां दिन रविवार होगा और 61 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ध्यान दीजिएगा, 61वां दिन नहीं पूछ रहा है, 61वां दिन आपका, जैसे एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 से भाग दोगे इसको, तो 63वां दिन फिर से क्या होगा, मंगलवार आएगा। तो मंगलवार से पहले 62वें दिन सोमवार, 61वें दिन रविवार। तो पूछ रहा है कि 61वें दिन के बाद यानी 62वां दिन कौन सा होगा, तो सोमवार हो जाएगा। तो विषम आपको ढूंढना है, क्वेश्चन नंबर 109। तो याद रखिए इनके क्या किया गया है कि जो पी का प्लेस वैल्यू है तो 16 - 10 + 4 ऐसे किया गया है, मतलब पहले वाले में से जो उनकी प्लेस वैल्यू है उसमें से घटाया गया है इन दोनों के प्लेस वैल्यू को ऐड करके। ठीक है, ये पैटर्न है, तो इस पैटर्न के अनुसार 109 का राइट आंसर PZD ही होगा। ठीक है, ये विषम है क्योंकि बाकी सभी में क्या किया गया है दोस्तों, जब ऐसा करोगे तो इसमें 2 का अंतर आएगा, लेकिन जब इन तीनों को करोगे तो ऐसा करने पर 1-1 का अंतर आएगा तीनों में, लेकिन इसमें 2 का अंतर आता है, इसलिए विषम है ये। अंपायर के लिए स्टंप बल्ला, देखो ये सब निर्जीव वस्तुएँ हैं, अंपायर सजीव है, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं। अब 200, 300, 400, 500 इन सबों में अलग क्या है, तो 400 अलग है क्योंकि 400 एक कंप्लीट स्क्वायर है, बाकी कोई नहीं है। गरबा कथक ओडिसी सत्रिया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गरबा, क्योंकि गरबा के अलावा जो जितने भी हैं ये सब क्लासिकल डांस हैं, लेकिन गरबा क्लासिकल डांस नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, परफॉर्मिंग आर्ट है गरबा। असंगत को चुनना है 29, 37, 31, 43, 13, 53, 5। तो ये क्या किया गया है कि जो अगला आ रहा है पहले 8 जोड़ा जाता है, फिर उसके दुगने को घटाया जाता है, फिर उसके 3 गुने को जोड़ा जाता है, फिर 4 गुने को घटाया जाता है, फिर 5 गुने को जोड़ा जाता है, फिर 6 गुने को घटाया जाता है, ऐसे किया गया है। मतलब 8 जोड़िए, -16 करिए, फिर 32 जोड़िए, 24 8 के मल्टीपल के रूप में है, फिर यह हो जाएगा -32 करिए, फिर 40 जोड़ दीजिए और फिर 48 घटा दीजिए। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इस श्रृंखला में विषम क्या होगा, तो 43 आ जाएगा राइट आंसर इसका। आप ऐसे करके देखिए कौन 45 आना चाहिए, लेकिन यहाँ 43 दिया हुआ है। अब वो दूसरे सबसे कौन मेल
आता है, ये आपको बताना है। जो संबंध इन दोनों में है वही संबंध इन दोनों में होना चाहिए। तो कीड़ा और रोग, यानी कि रोग किससे होता है? कीड़ा से होता है। तो युद्ध जो है ये किससे होगा, सोच के बताइए सभी लोग। जिस प्रकार कीड़ा रोग का कारण होता है, उसी प्रकार विनाश का कारण होता है। विनाश जो है युद्ध का कारण होता है, विनाश का कारण युद्ध होता है। रोग का कारण क्या है? कीड़ा। तो किसका कारण युद्ध होगा? तो विनाश का कारण युद्ध होगा। क्वेश्चन नंबर 102 की तरफ पढ़ेंगे तो देखिए, ई के बाद एम आया है प्लस 8 करने पर, और के बाद एस आया है प्लस 8 करने पर, ठीक है। तो उसी प्रकार ए के बाद प्लस 8 करिए और जी के बाद प्लस 8 करिए तो आ जाएगा आई ओ 24/60। ये 20/ कितने के बराबर होगा? या 24/60 से जैसे रिलेटेड है, उसी तरह 120 किससे रिलेटेड होगा? तो क्या किया गया, 24 में 5/2 से गुना किया गया है, तो 120 में 5/2 से गुना करोगे तो 300 आएगा। आगे बढ़ेंगे। रवि दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है, वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 15 मीटर चलता है, फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। अब उसका मुंह जो है किस दिशा की ओर है? तो पहले ऐसे चलता है, फिर ऐसे चलता है, फिर ऐसे चलता है, तो उसका मुंह किस दिशा की ओर हुआ? दक्षिण दिशा की ओर हुआ। यदि प्रिंसिपल को कूट भाषा में ऐसा लिख सकते हैं तो एडोलेसेंस को क्या लिखा जा सकता है? तो प्रिंसिपल को उल्टा करके ये लिखा गया है, आप देखेंगे पी आर आई एन सी आई पी एल पी ए एल, तो उसी तरह एडोलेसेंस को उल्टा करके लिखेंगे। तो ई सी एन ई कौन सा है, देख लीजिए, ई सी एन ई राइट आंसर बी हो जाएगा। एक महिला की ओर संकेत करते हुए राधा कहती है कि वह मेरी दादी की एकमात्र संतान की बेटी है। महिला राधा के साथ किस प्रकार संबंध रखती हैं? तो सिंपल सी बात है, ये बहन के बारे में बात कर रही है, इसमें कोई ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। दिए गए विकल्पों में से सही जल प्रतिबिंब का चयन करिए। जल प्रतिबिंब पूछता है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 114 है, 114। तो इसका राइट आंसर बी है, आप सोचिएगा थोड़ा सा। दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं, आपसे ये पूछता है। कितने वर्ग हैं पूछता है, तो देखिए एक वर्ग तो ये हो जाएगा 3, ठीक है, 3 वर्ग ऐसे हो जाएंगे, और इसके बाद आप नोमेनक्लेचर कर लीजिए, सबसे बढ़िया रहेगा आपका। ए बी सी डी ई एफ जी ऐसे कर लीजिए तो बहुत आसान रहेगा। तो याद रखिए, एक वर्ग यहाँ बनेगा ये, और एक वर्ग यहाँ बनेगा ये, तो 3 और 2 कितने हो जाएंगे? 5 कुल मिलाकर इसमें वर्ग बनेंगे। एक तो 3 बड़ा बड़ा जो आपको दिख रहा है, और 2 वर्ग यहाँ बनेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो किसी घड़ी में 9:30 बज रहा है, तो वही समय सही समय क्या होगा जो दर्पण में दिखाई देगा? तो दर्पण में दिखाई देने वाला समय कितना होगा, तो 12 में से घटा दीजिए 9:30। सिंपल तरीका यही होता है निकालने का, 12 में से घटाएंगे तो 2:30 बचेगा। ये राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो पी क्यू से छोटा है परंतु टी से लंबा है, आर सबसे लंबा है तथा एस पी से छोटा है परंतु सबसे छोटा नहीं है, ऊंचाई के घटते हुए क्रम में अंतिम से दूसरा कौन है? तो इसका क्रम ऐसे होगा, देख लीजिए, आर ग्रेटर देन क्यू ग्रेटर देन पी ग्रेटर देन एस ग्रेटर देन टी। तो पूछ रहा है कि अंतिम से दूसरा कौन होगा, तो एस हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दिए गए सभी कथन का अध्ययन ज्ञात करें कि डी का नाना कौन है, ए बी का भाई है, सी ए का पिता है, डी ई का भाई है, और बी ई की माँ है। तो ये हो जाएगा राइट आंसर 118 का सी, मतलब डी हो जाएगा, सी होगा। डी का नाना कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी कि सी सबसे ऊपर होगा, फिर उसके बाद ए आएगा, ए का भाई बी होगा, बी का बेटा तो बी ई माँ हो जाएगा, बी का बेटा डी होगा, भाई होगा ई, और तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। यदि प्लस का अर्थ घटाना है, माइनस का अर्थ गुना है, तो आपको बताना है कि इनका मान क्या होगा, ठीक है। तो ये तो बड़े सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं, इस सब इसका राइट आंसर 13 हो जाएगा, आप केवल
जो कह जैसे कह रहा है वैसे करते जाइए। क्वेश्चन नंबर 125 की तरफ बढ़ते हैं। तो कहता है कि किसी कोड में साइंटिस्ट को अगर ऐसा लिखा जाता है तो उसी कोड में इस वर्ड को क्या लिखा जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इसको मेमोरी लिखा जाएगा। एक्चुअली क्या किया गया है कि जो पहला वर्ड है वो लास्ट में चला गया है, तो जो पहला वर्ड है एस वो दूसरे नंबर पे चला गया है। ध्यान देंगे मतलब ये वाला वर्ड दूसरे नंबर पे चला गया है, टी जस का तस है, सी उसके बगल में आ गया है, आई फिर उसके बगल में, फिर ई उसके बगल में, उसके बाद एन उसके बगल में, फिर टी। ठीक है, इस तरीके से किया गया है। उसी तरीके से इसको करेंगे तो मेमोरी शब्द बनेगा। 126 का राइट आंसर 5 मीटर हो जाएगा इसका, आप देख लीजिएगा, बहुत सिंपल है। 127 का राइट आंसर आपका 77 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एक्चुअली इसमें किया गया है क्या दोस्तों, 127 क्वेश्चन नंबर, तो इसमें किया गया है कि 44 में से 37 घटाया गया है, 7 आया है, फिर 7 में 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 49 आएगा। ठीक है, 44 में से क्या घटाना है, 44 में से इसको घटाना है, तो जितना आएगा उसमें उसी से मल्टीप्लाई करना है तो 49 आएगा। अब 52 में से 41 घटाओ तो कितना आएगा, 11। 11 में 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 77। मतलब 7-7 से मल्टीप्लाई करना है, बीच वाले में घटाने के बाद जितना है। 58 में से 53 घटाओगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, फिर 5 में 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 35 आएगा। तो इस तरीके से ये आपका पैटर्न बनता है। क्वेश्चन नंबर 128, नीचे दिए गए समीकरण गलत हैं, इसे सही करने के लिए निम्न में से किन दो चिन्हों को आपस में अदला बदली करना होगा। तो अदला बदली करने के लिए प्लस और मल्टीप्लीकेशन को अदला बदली कर दीजिए, राइट आंसर आपका ऑप्शन ए आ जाएगा, प्लस और मल्टीप्लीकेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है कि नीचे दिए गए पासे 3 प्रारूपों को दिखाया गया है, इस पासे में अंक 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, मतलब 4 के अपोजिट कौन सा डिजिट होगा। क्वेश्चन नंबर 120, इसका राइट आंसर 6 हो जाएगा कि 4 के अपोजिट 6 होगा, 120 का डी। 121, एक निश्चित कूट भाषा में लीडर को अगर हम ऐसा लिखते हैं, लीडर को, तो बेसिक्स को कैसे लिखा जाएगा। देखिए लीडर को जो लिखा गया है, हर वर्ड में पहले पहले वाले एल में आप 2 जोड़िए, एल एम एन प्लस 2, फिर 3 जोड़िए, एफ जी एच, ठीक है, फिर 2 जोड़िए, फिर 3 जोड़िए अगले अगले लेटर में, यानी कि पैटर्न क्या बनता है, प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3, तो इस तरीके से पैटर्न बनना है। उसी तरीके से बेसिक्स में ये आप पैटर्न अपनाइए तो आपका राइट आंसर आ जाएगा इसका, 121 का सी। अगला क्वेश्चन है कि 6 मित्र जो है वो केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त में बैठे हैं, एफ ए के दूसरे बाईं ओर है, बी ए के दूसरे दाईं ओर है, ए डी के बायां पड़ोसी है, सी एफ और बी के बीच बैठा है, ए का बायां पड़ोसी ई है, तो एफ का पड़ोसी कौन होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बी हो जाएगा, सी और ई होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एक कक्षा में रमण का ऊपर से 7वां स्थान तथा नीचे से 26वां स्थान है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या बराबर रमन का ऊपर से स्थान प्लस रमन का नीचे से स्थान माइनस 1, ये फार्मूला होता है। तो 7 + 26 - 1 करोगे तो ये आ जाएगा 33 - 1 = 32, यानी कि टोटल कितने हैं, 32 है। निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कर नीचे दिए गए प्रश्न का सही उत्तर दीजिए। अब ये आपको कुछ कहता है और फिर कह रहा है कि आर भागा टी प्लस के में से के का आर के साथ रिलेशन क्या है। 131 का राइट आंसर हो जाएगा आपका कि के जो है आर की मौसी है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 122 है। कहता है कि सही विकल्प को चुने जो समान रूप स्वरूप को जारी रखेगा, मतलब ये पैटर्न को आगे की ओर ले जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122 है ये। तो किया क्या गया है दोस्तों, तो सब में 4 मल्टीप्लाई किया गया है, 4 - 1, मतलब 4 से मल्टीप्लाई करके 1 घटाया गया है। 7 में 4 से मल्टीप्लाई करोगे 28 करोगे, 1 घटा दो 27 आ जाएगा, फिर 27 में 4 से मल्टीप्लाई करो 108 आएगा, 1 घटा दो 107 आ जाएगा, तो 427 में 4 से मल्टीप्लाई करके 1 घटा दो तो ये 1707 आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 123, ये किया गया है, घटाया गया है, 285 में से 32 घटाइए तो 253 आएगा, फिर 33 घटाइए, फिर अगला 34 घटाइए, फिर -35 करिए तो 151 राइट आंसर आएगा आपका। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखिए। 124, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
1342 राइट आंसर बी है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो किसी सांकेतिक भाषा में बेग को 28 और डग को 52 लिखा जाता है, तो बेल को क्या लिखा जाएगा? ठीक है दोस्तों, देखिए बेग में क्या लिखा हुआ है, प्लेस वैल्यू लीजिए बी ई जी का, तो 2 + 5 + 7 तो कितना आएगा, 14 आएगा। 14 में 2 से मल्टीप्लाई करिए तो 28 आएगा। ठीक है, मतलब इनके प्लेस वैल्यू को जोड़ करके 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है, डॉग में भी यही, डी का प्लेस वैल्यू 4 है, ओ का 15 है, जी का 7 है, तो सबको ऐड करेंगे तो 26 आएगा। 26 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 52 आ जाएगा। उसी तरीके से बेल का करिए तो ऐड करने पर प्लेस वैल्यूज कितने आएंगे, 31 आएंगे। 31 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 62 आ जाएगा राइट आंसर। एक विशिष्ट कोड भाषा में डाउन द लाइन को अगर ऐसे कहते हैं, स्कूल एंड कॉलेज को कहा जाता है, तो स्कूल्स क्लोज डाउन को उसी भाषा में क्लोज का अर्थ क्या होगा? ठीक है, देखिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, एट रेट। निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त शब्द ज्ञात करें। लुप्त शब्द ज्ञात करना है 134 का। तो देखिए श्रृंखला में एक समूह के बाद एक अक्षर छोड़ दी जाती है, फिर नए वाले अक्षर से शुरुआत की जाती है। देखो ए बी, फिर सी छोड़ करके डी ई एफ, फिर जी छोड़ करके एच आई जे के, फिर एल छोड़ करके एल, एम से शुरू होगा एम एन ओ पी क्यू, फिर आर छोड़ करके एस, ये लिखा गया है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा 134 का। 135 का राइट आंसर, दी गई श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी आनी चाहिए, 2, 4, 6, 10, 14 और 20, तो +2 करते जाइए तो 26 आ जाएगा राइट आंसर। लुप्त संख्या ज्ञात करना है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 139। तो देखो क्या किया गया है, 1 × 2 किया गया है तो 2 आया है, फिर 2 × 2 किया गया है तो 4 आया है, फिर क्या किया गया है, 4 × 2 किया गया है तो 8 आया है। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया गया तो ये आया 3, फिर 3 × 4 को मल्टीप्लाई किया गया, जैसे ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, इसको थर्ड मान लो, इसको फोर्थ मान लो, इसको फिफ्थ मान लो, सिक्स मान लो, तो फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करोगे तो थर्ड आएगा, और थर्ड और फोर्थ को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिफ्थ आएगा। ठीक है ना, तो अगला नंबर कौन सा होगा, तो आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 8 × 32 राइट आंसर क्या हो जाएगा, 32। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करिए, तो 140 का राइट आंसर हो जाएगा। बेहतर होगा कि आप नाम दे दीजिए, कुल त्रिभुज इसमें 22 आएंगे। 135 का आपका राइट आंसर है दोस्तों बी, देखिएगा सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक पासे के 3 विभिन्न स्थितियां नीचे दी गई हैं, पासा में 2 बिंदु वाले फलक के विपरीत फलक पर कितने बिंदु होंगे, तो 136 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 5 बिंदु होंगे। क्वेश्चन नंबर 141, तो क्वेश्चन नंबर 141 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है। अब ये सब आप बहुत आसानी से देख सकते हैं, सोच सकते हैं कि ये कैसे आंसर हुआ ये। 137 का राइट आंसर हो जाएगा डी, और 142 का राइट आंसर भी ऑप्शन ए है आपका। 143 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 144 की तरफ, कहता है कि कुछ पत्थर ईंटे हैं और कुछ ईंटे वृक्ष हैं, तो निष्कर्ष है कि कुछ पत्थर वृक्ष हैं और कुछ वृक्ष ईंटे हैं, तो आपको बताना है कि सही क्या है। तो निष्कर्ष के अनुसार निष्कर्ष 2 सही है, तो राइट आंसर 144 का बी हो जाएगा। 145 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है। ये रीजनिंग के सवाल है, आप खुद सोचिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। 146 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है। 147 पूछता है कि यहाँ खाली जगह पर क्या होगा, इस खाली जगह पर कौन सी आकृति आएगी, तो 147 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। 148 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, और 149 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ये वाला आ जाएगा 149 का राइट आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन ये है, बहुत ही लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन है ये, आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे कि एक शब्द केवल एक समूह से दर्शाया गया है, जैसा कि विकल्पों में से किसी एक में दिया गया है। विकल्पों में दिए गए संख्या समूह अक्षरों के 2 वर्गों द्वारा दर्शाए गए हैं, जैसा कि नीचे दिए गए 2 अवयूहों में से हैं। अवयूह 1 के स्तंभ और पंक्ति की संख्या 0 से 4 और 2 से 6 दी गई है। अवयूह 2 की क्रमशः 2 से 6 और 7 से 0 है।
इन अभ्यूहों से एक अक्षर को पहले उसकी पंक्ति के बाद में स्तंभ में संख्या दर्शाया जा सकता है। उदाहरण के लिए एच को 0, 4, 25, 32 आदि द्वारा दर्शाया जा सकता है तथा एन को 21, 40 और 59 द्वारा दर्शाया जा सकता है। इसी तरह से आपको दिए गए शब्द के लिए संख्या समूह पहचानना है, ईयर। तो इसके लिए क्या होगा, तो 150 का राइट आंसर है। इसे वाई के लिए क्या क्या वर्ड होंगे, तो देखिए 0, 2, 16, 23, 34 और 45 होगा। वाई के लिए कौन कौन से वर्ड होंगे, 0, 2, ठीक है, और कौन कौन से होगा, यहाँ देखिए 23, 2 और 3। फिर वाई के लिए कहाँ है, 3, 4 है, ठीक है। फिर वाई कहाँ है, तो देखिए ये है 4, 5, ठीक है। तो वाई के लिए कौन कौन से वर्ड मिल गए आपको, 0, 2, दूसरा क्या मिला, 23 मिला। तो देखिए 23 किस में है वाई के लिए, राइट आंसर। आप आगे बिना बढ़े हुए यहीं से आंसर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप मिला सकते हैं ई के लिए, देख लीजिए। अब ई के लिए देखो, ई के लिए कहाँ है, ई है, फिर यहाँ है ई, 27, 48 होगा, देखो 27 दिया हुआ है। इसी तरीके से आप बारी बारी से हर लेटर को देख लें, क्योंकि वाई से मेरे यहाँ काम चल जा रहा था, क्योंकि 23 में और कोई है नहीं, 23 से शुरू होने वाला, इसलिए आप आंसर यहीं करके निकल सकते हो। तो ये था हमारा 150 का टोटल एक्सप्लेनेशन। तो आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अगर बड़ी पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।